मम्मी मम्मी खाना दे दे भूख लगी। अच्छा बेटा देई थे। चलो दीदी खाना खा लिया जाए फिर करते हैं। ए सुनीता, अरे जो अंजलि मैडम काम बताई थी वो पूरा हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, वो तो कब का हुई गवा। अरे ये क्या कर रही हो, गंदे हाथ से मुन्ने को खाना दे रही हो तुम? लेकिन दीदी हम तो ऐसे ही परोसा थे, ईमन का बुराई है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से ना तुम हमेशा बीमार रहती हो, और जो कुछ भी कमाती हो ना सब डॉक्टर को देकर चली आती हो। पर दीदी हमारे हाथ तो साफ ही हैं। ये दिखने में सिर्फ साफ लग रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़े समय पहले जो तुम काम कर रही थी उस काम के दौरान तुम्हारे ये हाथ इस गंदे फर्श पे कितनी बार पड़े, याद है कि भूल गई? सही कह रही हो दीदी। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस हाथ में कितने कीटाणु होंगे, और अब यही कीटाणु तुम्हारी बच्ची की थाली में है। इस कीटाणु से मुन्नी को डायरिया, दस्त, हेपेटाइटिस ए ऐसे बहुत सारे भयंकर बीमारी है जो बच्ची को हो सकती हैं। सुनीता थोड़ी सी सावधानी रखोगी ना तो तुम भी स्वस्थ और तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, है ना कमाल की बात? इतना सब तो कभी सोचे ही नहीं थे दीदी। तो अब सोचो और देखो कि बचाव कैसे करना है। ये मुन्ना है जो कुछ रोज पहले तक डायरिया से पीड़ित था, लेकिन ना तो मुन्ना ना ही उसकी माँ ने बीमारी से कोई सीख ली। मम्मी मम्मी खाना दे दो भूख लगी है। देखिए कैसे बिना हाथ धोए ही मुन्ने की माँ उसे खाना खिला रही है। यही कारण है कि मुन्ना अक्सर बीमार रहता है। डायरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, दस्त, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और H1N1 जैसी घातक बीमारियां बस गंदे हाथ भर की दूरी पर रहती हैं। बहुत सारे ऐसे रोगाणु होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हवा में हैं, हमारे घर के सामानों में हो सकते हैं और संक्रमित स्थानों पे हो सकते हैं। तो जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो यही संक्रमित रोगाणु भोजन के माध्यम से हमारे अंदर चले आते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन्फ्लुएंजा, हैजा, और हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों की सफाई रखें, ना सिर्फ खाना खाने से पहले बल्कि खाना बनाने से पहले, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी ऐसे स्थान पर जाने और आने से पहले जहाँ संक्रमण की संभावना हो, जैसे अस्पताल आने या जाने से पहले। आप अपने जब कभी पालतू पशु को खाना खिला रहे हैं या प्यार कर रहे हैं तो उस समय भी ये ज़रूरी है कि पहले और बाद आप अपना हाथ अच्छी तरीके से साफ करें। और अच्छी तरीके से साफ करने का मतलब ये है कि 25 से 30 सेकंड तक अच्छे साबुन से रगड़ रगड़ कर कई तरीके से अपने नाखूनों को और अपनी उंगलियों को साफ करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये निश्चित है कि आप खुद को, अपने बच्चों को, परिवार को तरह तरह की बीमारियों से बचा सकेंगे। खाना बनाने और खाने से पहले, खांसने, छींकने, नाक साफ करने, शौच के बाद, दफ्तर या बाहर से आने के बाद, जानवरों को छूने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। इतना ही नहीं, जिस टोटी का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए करते हैं उसे भी साफ रखें, और हाँ याद से समय समय पर नाखून को काटते रहिए। तो देखा आपने कितना आसान है अपने सेहत को स्वस्थ बनाना। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आप, आपके मुन्ने और आपके परिवार को कई गंभीर बीमारियों से बचा कर रखती है। दवा का खर्च भी बचता है और आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। तो बस प्रण लीजिए कि आज से, बल्कि अभी से अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना है। क्यों, समझ गए ना, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है स्वच्छता।